हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा अग्रवाल। आज हम एक क्विक पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे लव लाइफ के लिए। मैं आपके लिए क्वेश्चंस पूछूंगी और जल्दी जल्दी आंसर्स निकालूंगी, ठीक है? उसके लिए आपने इन दो क्रिस्टल्स में से किसी एक को चुन लेना है। फर्स्ट इज मॉस अगेट, जो आपके हार्ट चक्र से रिलेट करता है, इंट्यूशंस में भी हेल्प करता है। एंड सेकेंड तो आप जानते ही हैं रोज क्वार्ट्स, जो है ही हमारा लव क्रिस्टल। इन दोनों में से किसी भी एक क्रिस्टल की तरफ आपका, जिसकी तरफ भी आपको वाइब्स आए, आपको अच्छा लगे, आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, उस क्रिस्टल को आपने चुन लेना है एज योर ग्रुप। सो जिन लोगों ने मॉस अगेट क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, उनके लिए अब हम जल्दी से रीडिंग करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, क्या वो आपको लेकर सीरियस हैं? एंड द कार्ड इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नो, अभी वो कन्फ्यूज्ड हैं। अभी मे बी कि वो अपने एक्स के साथ भी जुड़े हुए हों, या वो किसी और नई अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हों, या ये भी हो सकता है कि किसी कोई और लाइफ में नहीं है, बट फिर भी कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या आप उनके लिए परफेक्ट हैं या नहीं। ये एक कन्फ्यूज्ड रिलेशनशिप है। द नेक्स्ट वन इज उनका इंटेंशन क्या है, क्यों है वो आपके साथ जुड़े हुए? एंड द कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस इज़ द टाइम कि उनकी लाइफ में ये लव एनर्जीज एंटर करनी ही थी। दिस इज़ द डेस्टिनी, ठीक है? समटाइम्स हम चाहते नहीं हैं रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होना, बट समहाउ हमारी एनर्जी ऐसी होती है, प्लानिटरी पोजिशन ऐसी होती है, हमारी ऑरा ऐसी होती है कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस इंसिडेंट कि आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि उनका इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। इंटेंशन है सेवन ऑफ पेंटकल्स। आपके लिए सोचते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं, बट वी कांट से कि हाँ उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट है, बट हाँ यू आर इन हिज और हर थॉट्स। आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, बट अगेन मैंने बताया, जैसा कि कन्फ्यूज्ड हैं तो चीज़ों को लेकर उतना ज़्यादा सर्टेन नहीं है। तो इमोशनल कनेक्ट है क्या? फोर ऑफ पेंटकल्स, नॉट एग्जैक्टली इमोशनल कनेक्ट, बट हाँ आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, आपके साथ फन करना उन्हें अच्छा लगता है, इन्जॉय करते हैं, शेयर करते हैं अपनी बातों को, बट स्टिल ही और शी इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स फ्रॉम यू। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं उनके मन में जो अभी भी वो आपको नहीं बता रहे हैं। तो व्हाट यू शुड डू, आपको अब क्या करना है? सी नाइन ऑफ पेंटकल्स। अब आपको ये समझना है कि व्हाट आर योर डिज़ायर्स एग्जैक्टली, आप अपने रिलेशन में क्या चाहते हैं। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा डीप इमोशन की नीड है, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ गुड फॉर यू कि ये रिलेशनशिप उतना वर्क करेगा। हाँ, अगर आप भी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर सोच रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि ठीक है, हमें साथ रहना चाहिए, टाइम के साथ ऑब्जर्व करना चाहिए, इफ़ यू आर एनालिटिकल देन इट इज़ गुड फॉर यू। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? द टेम्परेंस। पेशेंस रखिए, अपनी तरफ से 100% इनपुट दीजिए, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कि इन केस कहीं पर कुछ ब्रेकअप होता है या कोई प्रॉब्लम आता है या उनकी कन्फ्यूज़न के कारण आप परेशान होते हो, तो आपका हार्ट ब्रेक ना हो, आप अपने आप को संभाल पाएं। सो इट वॉज अ क्विक रीडिंग फॉर योर लव लाइफ। अब हम देखते हैं जिन लोगों ने रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल सेलेक्ट किया था। फर्स्ट अगेन, क्या वो सीरियस हैं आपके लिए? टेन ऑफ वॉन्ड्स। इट इज़ द टाइम जहाँ पर वो अपने करियर, अपनी अदर प्रायोरिटीज़ में फंसे हुए हैं, इसलिए वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वॉट टू डू और नॉट टू डू। रिलेशनशिप को लेकर तो कन्फ्यूज नहीं हैं, सीरियस ही हैं, बट साथ में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टक हैं। सेकेंडली, उनका इंटेंशन क्या है? वाई ही और शी इज़ इन टू दिस रिलेशनशिप? पेज ऑफ पेंटकल्स। इसलिए है वो यहाँ पर क्योंकि उन्हें लाइफ में कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को भी दूर करने के लिए, इसीलिए वो इस रिलेशनशिप में है। इज़ दिस द इमोशनल कनेक्ट? टू ऑफ पेंटकल्स, यस वी कैन से यहाँ इमोशनल कनेक्ट है।
क्योंकि वो अपने इनर थॉट्स को कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं, मतलब वो एक रैंडम टाइम पास लव में नहीं है, एक्चुअली में उनको आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सिक्स द लवर्स, आपको भी पूरी तरीके से उस प्यार को रिसीव करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। उस रिलेशन में अगर आप कमिट कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप में कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन भी है एक दूसरे के प्रति, आप में इमोशनल कनेक्ट भी है। सो इट इज़ काइंड ऑफ कंप्लीट लव, ठीक है? ये सिर्फ इन्फेचुएशन क्रश नहीं है, आपको उनकी तरफ या और उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डीप इमोशन भी है। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? एस ऑफ वॉन्ड्स, समय के साथ चलने दीजिए, गो विद द फ्लो, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। इट इज़ इंटेंस लव इन बिटवीन बोथ ऑफ यू, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट हाँ, स्टिल मैं बोलूँगी कि इस प्यार के लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस में अ लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, कि सामने वाला तो आपको सब प्यार देने को तैयार है, बट शायद आप ही अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो। सो ओवरकम दीज ब्लॉकेजेस। सो इट वॉज अ रीडिंग फॉर यू, थोड़ा सा क्विक इस बारी हमने किया, शायद थोड़ा डिफरेंट मेथड करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।